ना घर के रहे ना घाट के रहे की हालत में आने के बाद बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दर्द एक बार फिर सामने आ गया है। दरअसल विजयादशमी के मौके पर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। विजयादशमी के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम एवं श्री महिषासुर मर्दिनी को श्रद्धा पूर्वक सादर नमन करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। अब ये बात तो हर किसी को मालूम है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से किस तरह इस्तीफा दिया, किस तरह वो जेडीयू में शामिल हुए और किस तरह उन्होंने अपने गृह जिला बक्सर से लड़ने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि बीजेपी के कोटे में ये सीटें गईं और जेडीयू से चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे गुप्तेश्वर पांडे को सिर्फ मुंह ताकना रह गया। इसके बाद भी अपने दर्द को वो छुपाते नजर आए और कई बार उन्होंने कहा कि अब वो एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के लिए काम करेंगे, उन्हें पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसे वो भरपूर कोशिश करेंगे निभाने की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनके पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मेरे वीआरएस लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ रहूंगा और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूं और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जहाँ तक मेरे बारे में आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में एनडीए के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है और अपने बारे में कुछ नहीं। लेकिन सबके बावजूद उनका दर्द रह रहकर उभर आता है। अब देखना ये होगा कि बिहार चुनाव के आगे पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है। मैं हूं मानसी, आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।